दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके वीडियो को रैंक कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कीवर्ड का। अगर आप सही से कीवर्ड ढूंढ लेते हैं तो आपके हर वीडियो रैंक करने लगता है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है जो कीवर्ड होता है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं, YouTube में कीवर्ड को इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है, परफेक्ट कीवर्ड क्या होगा हमारे वीडियो के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे एक एक करके। गारंटी के साथ बोलता हूं, इस वीडियो के बाद आपको कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक बार आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब समझिए कीवर्ड होता है क्या। कीवर्ड आपके वीडियो और आपके चैनल को ग्रो कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर सही से आप कीवर्ड लगाते हैं तो आपका वीडियो और चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो होगा लाइफ टाइम। मान लीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया है, बेस्ट मोबाइल फॉर फोटोग्राफी। आपने टाइटल या टैग या डिस्क्रिप्शन में इसको लिख भी दिया। कोई यहाँ पे सर्च करेगा यूट्यूब या गूगल पे कि बेस्ट मोबाइल फॉर फोटोग्राफी, तो गूगल या यूट्यूब क्या करता है, वो अपने एल्गोरिदम का यूज़ करता है। उसका एक टूल्स होता है, रोबोटिक बोट्स जिसे बोलते हैं। रोबोटिक बोट्स क्या करता है, जैसे ही वो किसी जिस लेटर को ढूंढा, लेटर यानी कि कीवर्ड को, तो उसको आपके टाइटल में पढ़ेगा। ये थंबनेल पे लिखते हैं उसको ये नहीं पढ़ता है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में नहीं पढ़ेगा, ये टेक्स्ट के फॉर्म में ये पढ़ता है। और जहाँ पे इसको मिल जाता है उसके वीडियो को ऑडियंस या व्यूअर्स के पास रख देता है, दिखा देता है। तो सबसे पहले ये कहाँ ढूंढता है, टाइटल में, उसके बाद टैग में, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जिसके टाइटल में वो कीवर्ड मिल जाएगा उसका वीडियो सबसे पहले वो व्यूअर्स के पास देता है, फिर उसके बाद टैग में। इसलिए कहते हैं कि परफेक्ट कीवर्ड को आप यूज़ करिए, जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वो आप टाइटल में रखिए, और जो कम यूज़ करते हैं उसको टैग में। ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज मिलेगा और आपके वीडियो सबसे ज़्यादा रैंक करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब समझिए कीवर्ड कैसे बनाना है आपको अपने वीडियो के लिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बचपन में आपको टीचर पढ़ाते होंगे और कोई वर्ड देते होंगे, उस वर्ड से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना होता है। जैसे कि आम वर्ड दे दिया है, तो आम से सेंटेंस क्या बनेगा, यह एक आम है, मैं आम खाता हूँ, राम आम खाता है, आम मीठा होता है। तो यानी कि हर सेंटेंस में आम आ रहा है। ऐसे ही आपका जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड यानी कि बेस्ट मोबाइल, ये बनाए हैं आप, तो बेस्ट मोबाइल से आप सोचिए आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन आपके ऑडियंस को भी आते हैं, वही लोग सर्च भी करते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं या आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो लोग क्या सर्च करेंगे, इसे सोचिए, बेस्ट मोबाइल फॉर फोटोग्राफी, बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, बेस्ट मोबाइल फॉर व्लॉगिंग, बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढेंगे। तो इस टाइप से आप अब मतलब आप अपना कीवर्ड बना सकते हैं। अब इसको लॉन्ग टाइप में भी आप बनाइए, जैसे कि विच इज़ बेस्ट मोबाइल, विच इज़ बेस्ट मोबाइल फॉर रिकॉर्डिंग, विच इज़ बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब वीडियोज, समझ गए। तो इस टाइप से और इस टाइप से भी आपको ढेर सारा कीवर्ड बना लेना है और एक एक करके यूट्यूब पर सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड सबसे टॉप में आ रहा है। समझ में आ गया आपको बात। अब समझिए कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया बेस्ट मोबाइल फॉर फोटोग्राफी, किसी दूसरे ने सर्च किया विच इज बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब वीडियोज 2020। अब समझिए आपने जो सर्च किया उसमें कितने वर्ड थे, 3 वर्ड। उसने जो सर्च किया उसमें कितने वर्ड्स थे, 3 से ज़्यादा। तो आपने जो सर्च किया उसको बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसने जो सर्च किया उसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब समझिए दोनों को क्या फ़ायदा है, आप अपने वीडियो में कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टेल जो होता है बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, इसका सर्चेबल जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें एक गैर फायदा भी है, जो इस पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, मतलब इस शॉर्ट टेल कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बन गए होते हैं।
और लॉन्ग टेल जो होते हैं बहुत कम वीडियो बनाए होते हैं लोग उस पर, तो उसमें अगर आपका YouTube चैनल नया है, नए में बनाए हैं, तो आप कोशिश करिएगा जो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टेल को यूज़ करिए, शॉर्ट टेल को भी, दोनों को मिक्स करना है आपको, लेकिन लॉन्ग टेल ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि लॉन्ग टेल पे जो होता है ना, भले कम व्यू आएगा लेकिन जल्दी वहाँ पे आपके वीडियो रैंक करेगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो उस कीवर्ड पे कम बना होता है, तो जैसे ही लोग सर्च करेगा विच इज़ बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब वीडियोज 2020, तो वहाँ पे मान लीजिए 8-10 वीडियो दिखाया, तो वहाँ पे आपका वीडियो जल्दी शो करेगा उसको, और इस तरह से आपका वीडियो रैंक करेगा जल्दी। लेकिन आपने बना दिया बेस्ट मोबाइल फॉर फोटोग्राफी, तो इस पे जो होगा 100-150 से ज़्यादा वीडियो बना होगा, तो आपका वीडियो तो सबसे नीचे रहेगा, लोग वहाँ पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि लोग को तो जल्दी चाहिए वो जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, तो वो कम से कम 2-3 वीडियो देख के वहीं पर ढूंढ लेंगे, तो वहाँ पर आपके वीडियो भीड़ में खो जाता है। तो कोशिश करिएगा जो कीवर्ड दोनों को एक मिक्स करके यूज़ करना है, शॉर्ट टेल में भी आपको कंपैरिजन करना है जो किसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा है लेकिन कंपैरिजन मतलब कंपटीशन कम है, और इसको तो यूज़ करना ही है आपको। कीवर्ड कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब ये भी समझ गए जो कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब क्या करना है, टाइटल में भी आपको कीवर्ड जो है एक लॉन्ग टेल लेना है एक, और बाकी शॉर्ट टेल दोनों इसका मिक्स होता है वो परफेक्ट कीवर्ड कहलाता है एक अच्छे वीडियो के लिए और एक अच्छे रैंक कराने वाले वीडियो के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा जो हमारे वीडियो के लिए सबसे परफेक्ट कीवर्ड क्या होगा, तो चलिए इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली रिसर्च करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको दो जगह सर्च करना है सारे कीवर्ड, कहाँ, पहले गूगल पे फिर यूट्यूब पे, क्योंकि गूगल भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, यहाँ से भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गूगल पे आपको आ जाना है, क्या सर्च करना है, आपका मेन जो वर्ड है वही की फोकस वर्ड इसको बोलते हैं, बेस्ट मोबाइल है ना, तो यहाँ पे सर्च करिए बेस्ट मोबाइल, देखिए बहुत सारे आ रहे हैं कीवर्ड, बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000, अंडर 20,000, ये सारे नोट कर लेना है कॉपी में। फॉर एग्जांपल मैं एक ऊपर में क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे ही क्लिक करूँगा तो यह नीचे थोड़ा सा आ जाना है आपको, यहाँ पे देखिए पीपल आल्सो आस्क, मतलब लोग ये भी पूछते हैं, विच इज़ नंबर वन गेमिंग फ़ोन, विच ब्रांड इज बेस्ट फॉर मोबाइल गेमिंग, विच इज़ बेस्ट गेमिंग मोबाइल इन 20,000, मतलब आप नया लगा दीजिए 2020 लगा दीजिएगा, 2022 सॉरी, विच इज़ नंबर वन गेमिंग मोबाइल इन इंडिया, ये सारे आपको नोट कर लेना है। थोड़ा सा नीचे और आइए, यहाँ लोग और भी सर्च करते हैं, बेस्ट गेमिंग मोबाइल अंडर 20,000, बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 15,000, बेस्ट गेमिंग फ़ोन फॉर पबजी, ये सारे आपको नोट कर लेना है। ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट टेल आपने सर्च किया, लॉन्ग टेल भी यहाँ पर सर्च कर लेना है, कैसे, देखिए विच इज बेस्ट मोबाइल या मोबाइल्स, तो देखिए बहुत सारे हैं, विच इज बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग, यहीं पे सारा मिल जाता है, और वैसे भी आपको रिसर्च कर लेना है पीपल आल्सो आस्क में, ये सारे नोट कर लेना है 20-25 यहाँ से। अब हम चलेंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब पर चलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करिए, टर्न ऑन इग्नोट इनकॉग्निटो है इसको कर लीजिए, इसे रिफ्रेश हो जाएगा, सर्च हिस्ट्री नहीं कुछ शो करेगा। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ आपको सर्च करना है, जैसे ही सर्च करेंगे बेस्ट मोबाइल, तो देखिए बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 सब कुछ आ रहा है ना, ये नोट कर लेना है। फिर फॉर लगाइए, जैसे ही आप फॉर लगाएंगे तो क्या आ रहा है सो देखिए, फॉर पबजी, फॉर गेमिंग, फॉर व्लॉगिंग, फॉर कैमरा, फॉर यूट्यूब वीडियोज रिकॉर्डिंग, बेस्ट मोबाइल फॉर BGMI, ये सारे नोट कर लेना है आपको। ये तो शॉर्ट टेल आपने यूज़ किया, अब लॉन्ग टेल भी यहाँ पे सर्च करना है, कैसे, विच इज बेस्ट मोबाइल, देखिए अब जितने आपको शो कर रहा है, विच इज बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000, 20,000, 30,000, 10,000, ये सारे आपको नोट कर लेना है एक जगह। अब मैं आपको इसका वॉल्यूम कैसे सर्च करना है और किस पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये करना आगे बताता हूँ।
अब आपको दो ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, दोनों फ्री है। एक का नाम है ट्यूबबडी और एक का नाम है VidIQ। इसे आप फ्री में यूज़ करिए, परचेज नहीं करना है इसका कोई भी पैक, ठीक है। सबसे पहले हम VidIQ पे आते हैं। यहाँ ऊपर में कीवर्ड रिसर्च देख रहे हैं, सर्च। इसमें आपको सेम वही चीज़ सारे जितने भी नोट किए हैं एक एक करके सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सर्च करना सिखा देता हूँ, बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग। आपने ये सर्च करना है पहले, देखिए आप जैसे सर्च करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है 41 है, यानी 100 में 41 लोग इसे सर्च करते हैं। कंपटीशन जो है बहुत हाई है, तो ये कीवर्ड आपको नहीं लेना है क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो बन गए हैं। फॉर गेमिंग आप कुछ लगा दीजिए इसमें, एंड कैमरा जो मान लीजिए नीचे में है इसके देखते हैं, इसका भी कंपटीशन हाई है। अब मान लीजिए हम इसको लॉन्ग टेल में सर्च करते हैं या 2020 लगा देते हैं, तो अब इसमें देखते हैं हम इसका क्या है। देखिए इसका भी मीडियम है, मतलब इसको आप रख सकते हैं। अंदर नीचे में भी आपको सजेस्ट करेगा बहुत सारे, जो ये लीजिए ये लीजिए, यहाँ भी कीवर्ड आपको बहुत सारे करेगा। तो आपको बहुत सारे ढूंढना है जिसमें आपको लगे ये कंपटीशन जो है ग्रीन में शो करेगा, मीडियम से वेरी लो या लो, उसको आपको मतलब हाईलाइट करना है, जो इसको हमको रखना है। सेम यही प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ट्यूबबडी पे। सेम यही प्रोसेस आपको करना है। अब ट्यूबबडी पे क्या करेंगे, यहाँ 3 लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए टैग एक्सप्लोरर, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं देता है शायद, मैंने आज का तो यूज़ कर लिया है कोटा। यहाँ पे आपको सर्च करना है सेम वही चीज़, बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग। यहाँ भी आपको एक बार देख लेना है उसका क्या वॉल्यूम है, कितना है। शायद मेरा ये आज सर्च नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका कोटा यूज़ कर लिया है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा कितने लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, वो वॉल्यूम हुआ, मतलब 100 में कितने लोग, परसेंट कितने लोग यूज़ करते हैं, कंपटीशन कितना है। ये देखिए मेरा ये दिखा रहा है, मैंने आज का कोटा यूज़ कर लिया है, इसमें ज़्यादा नहीं शो करता है, एक दिन में 50-60 कीवर्ड ही यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें कितने लोग, परसेंट लोग यूज़ किए हैं, कंपटीशन क्या है, ओवरऑल स्कोर किसका क्या है, लो है, वेरी गुड है, गुड वेरी गुड जो है एक्सलेंट, ये सब आपको यहाँ से भी नोट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको नीचे में सजेस्ट करेगा। जब आप एक तरफ कलेक्ट कर लिए सारे मतलब अच्छे वाले टैग जो आपके कंपटीशन कम है, उसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है ये आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कंपटीशन जिसका कम होगा या ओवरऑल स्कोर ज़्यादा होगा, उसको क्या करना है आपको टाइटल में रखना है। मैंने आपको बताया था कि टाइटल में क्या करना है, एक जो है लॉन्ग टेल रखना ही है, 100 वर्ड होता है उसमें स्पेस, तो कम से कम 30-40 वर्ड का एक लॉन्ग टेल होगा, तो वो रख लीजिए। उसके बाद जो स्पेस बचा उसमें आप शॉर्ट टेल यूज़ करिएगा, मतलब एक टाइटल में कम से कम 2 या 3 मतलब 2 से ज़्यादा रहे, 3 कम से कम रहे कीवर्ड, तो सबसे परफेक्ट वीडियो माना जाता है और रैंकिंग होता है। बाकी जो आपका बच गया, मतलब ये टाइटल वाला भी और बाकी वाले भी जो टॉप में है, वो आपको टैग में रखना है। टैग में कितने स्पेस होते हैं, 500 वर्ड का, मान लीजिए कि 400 में ये सारे भर गए, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, टाइटल वाला जो लिखे हैं वो टैग डालिए, उसके बाद जो रैंकिंग में है उसको डाल दीजिए आप टैग में। अब जो बच गया है और बाकी जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उस सबको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे रखना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर रखा जाता है जो आपका टैग में जितने हैं उसको कॉपी करके ऊपर में रखिए। बाकी जो बच गया है आपको, जिसका कंपटीशन हाई है या कुछ भी है, जितने आपने नोट किया है सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे में आपको लिख देना है, क्योंकि इससे भी आपका वीडियो रैंक होगा। ये YouTube और Google दोनों का एल्गोरिदम होता है, रोबोटिक बोट्स बार बार इस वर्ड को देखेगा इसमें, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करेगा, आगे लाएगा, धीरे धीरे आपके वीडियो रैंक करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप कीवर्ड से रिलेटेड सब कुछ समझ गए होंगे आसानी से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करिए। YouTube से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आगे बनाते रहेंगे आपके लिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।